ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. પ્રોબેશન સંધિ અધિકારીઓને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કર્યું. આવો સાંભળીએ શું તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા છે. ये भी आपको ही विकसित करना ही होगा. पहले के जमाने में कलेक्टर के लिए नाइट होल्ड का एक नियम होता था, एक मार्च टू होल्ड रेशियो भी होता था. इस पूरी कवायद से पता चलता था कि अफसर ने फील्ड में कितना समय गुजारा है. अब ये परंपरा एक प्रकार से उसमें काफी ढीलापन आ गया है, कहीं कहीं तो खत्म हो गई नजर आती है. ऐसी ही एक पुरानी परंपरा थी डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर की, जो अब करीब करीब लुप्त होती नजर आ रही है. हैंडिंग ओवर नोट की भी एक व्यवस्था थी, जिसमें हर जाने वाला अफसर आने वाले अफसर के लिए एक नोट छोड़ करके जाता था. इस नोट के माध्यम से नए अफसर को उस पोस्ट से या उस ऑफिस से जुड़ी चुनौतियां, समस्याओं और अहम मुद्दों को समझने में बहुत बड़ी सुविधा होती थी. गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहती थी. ऐसी अनेक बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी पुरानी व्यवस्थाओं में रही है, जिन्हें फिर से जीवित करने की जरूरत है. पुरानी अच्छी परंपराओं को आज के युग में नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर हमें उन्हें और समृद्ध करना है और मजबूत करना है. तकनीक को हमें अल्टरनेटिव नहीं मल्टीप्लायर के तौर पर उपयोग करना चाहिए. जैसे फीडबैक मैकेनिज्म मेल मुलाकातों के पुराने तरीकों के साथ साथ हम सोशल मीडिया का भी अच्छा बेहतर उपयोग कर सकते हैं. सोशल मीडिया को रिलायबल सोर्स भले ही नहीं माना जाना है और नहीं माना जा सकता, लेकिन एक टूल जरूर है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं. और हां, हमारे फैसलों हमारी नीतियों को लेकर जो इनपुट आता है, जो फीडबैक आता है, उसका ईमानदार आकलन भी उतना ही जरूरी है. ऐसा नहीं है कि जो हमारी आंखों और हमारे कानों को अच्छा लगे वही सुनना और वही देखना है. हमें फीडबैक प्राप्त करने के अपने दायरे का विस्तार करते हुए अपने विरोधियों तक की राय को पढ़ना और सुनना चाहिए. इससे हमारे ही विजन को डेप्थ मिलेगी. साथियों, सरकारी व्यवस्था में रहते हुए कभी कभी हम एक और गलती कर देते हैं. अक्सर एसी कमरों में बैठे हुए हमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है. हमारा एक सीमित सोशल सर्कल होता है जिसमें हमारे जैसे ही लोग शामिल होते हैं. यही कारण है कि बहुत बार हमें सामान्य समस्याओं की भी सही जानकारी नहीं मिल पाती. इसलिए हम किसी भी सर्विस में हो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लोगों से जुड़ना बहुत आवश्यक है. इससे हमें सही पॉलिसी डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी. साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि मिनिस्ट्रीज हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या दूसरे सरकारी विभाग, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है. सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंज्यूमर ही सबसे ऊपर होना चाहिए. जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मैन पावर की इन्वेंटरी में, टेक्नोलॉजी में हर स्तर पर जरूरी बदलाव होने लगेगा. जब सर्विस डिलीवरी में जरूरी बदलाव होंगे तो लाइफ अपने आप इजी हो जाएगी. साथियों, अभी मैंने आपसे मैनेजमेंट की प्रचलित भाषा का उपयोग किया और वो इसलिए किया क्योंकि कभी कभी किसी बात को समझाने के लिए नोन टू अननोन की तरफ जाना बड़ा सरल रहता है, एक सुगम तरीका भी रहता है. इन सबसे ऊपर
सबसे गहरी है और वो है हमारे भीतर की भावना, हमारे भीतर की वेदना, हमारे भीतर की संवेदना। एक विचार हर पल, हर आती और जाती हुई सांस के साथ, आपके अस्तित्व के साथ जुड़ जाना चाहिए। वो विचार क्या है साथियों? आपके मन मस्तिष्क में ये रच बस जाना चाहिए कि मैं आज जो कुछ भी हूं, ये मुझे मेरे देश ने दिया है। मेरे समाज ने दिया है, इस देश के करोड़ों लोगों ने दिया है। ये देश मेरा है, इस देश के लोग मेरे हैं। इस सर्विस में आने के बाद जो तामझाम मुझे मिला हुआ है, उसमें किसी गरीब के पसीने की महक है। साथियों, हम देश के गरीब के, देश के लोगों के, हम सब कर्जदार हैं, ऋणी हैं। उस गरीब का कर्ज चुकाने का, देश के सामान्य मानवी का कर्ज चुकाने का हमारे पास एक ही तरीका है। हम देशवासियों की जिंदगी आसान बनाएं, जो उनका हक है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करें, जी तोड़ मेहनत करें। साथियों, आज का नया भारत कहीं ज्यादा आकांक्षी है, वो अधीर भी है और विकास की उसकी ललक पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। आज पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि नागरिक पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है, अवेयर है, कहीं ज्यादा इन्वॉल्व है और कहीं ज्यादा सेंसिटिव भी है। सरकार एक आवाज लगाए, जरा सी भी मदद मांग ले या किसी मुहिम में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करें, तो तमाम देशवासी खुशी खुशी उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएं, इसके हमें प्रोएक्टिवली काम करना ही होगा। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सामान्य मानवी को रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार से जूझना ना पड़े। हमें ये ध्यान रखना होगा कि सामान्य मानवी की जिंदगी सरकार के प्रभाव में दब न जाए और गरीब की जिंदगी सरकार के अभाव में दम न तोड़ दे। साथियों, ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने में एक और चीज अहम भूमिका निभाती है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पर कैपिटा इनकम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, उसके पीछे सोच भी यही है। इस लक्ष्य तक पहुंचने में आप सभी साथियों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। आप जहां भी तैनात होंगे, वहां की व्यवस्थाओं को बिजनेस फ्रेंडली बनाने में, वहां एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने में सिविल सेवा के सभी अंगों को मिलकर के प्रयास करना है। साथियों, आज समय की मांग है कि देश के जिले भी अपनी आर्थिक प्रगति के लिए आपस में स्पर्धा करें। कोई जिला जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही उसका राज्य भी आगे बढ़ेगा और इसका सीधा प्रभाव पूरे देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा। और इसलिए
भविष्य में आप जिस भी जिले में नियुक्त हो वहां पर आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए हर प्रकार के प्रयास, जैसे मानो एक्सपोर्ट ले लीजिए, क्या आपके जिले में एक्सपोर्ट होता है? वहां की कोई प्रोडक्ट दुनिया के देशों में जाती है? क्या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपका कोई योजना है? आप टारगेट तय करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपकी साझा ताकत से हम हर लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। साथियों, बड़े लक्ष्यों के लिए हमारे निर्णय स्पष्ट हो, समय पर हो, ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जो निर्णय लेने से बचने की कोशिश करते हैं। इससे व्यक्तिगत स्तर पर लाभ हानि हो या न हो, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप सभी से, देश को हमें समाधानों की अपेक्षा है, स्टेटस को की अपेक्षा आपसे नहीं है।